चल आज रविवार आहे नाही जुन्या काळात ज्या दिवशी सुट्टी असायची अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग। तो आज संडे था तो आज मैंने बनाई थी कांदा पोहा। तो देखिए इस तरीके से पहले मिर्ची और राई और ज़ीरा हल्का हल्का डाल दीजिए ते और बाद में इसमें तेल डाल के फ्राई कर लीजिए या तो पहले तेल डाल दीजिए और बाद में ये सब डाल दीजिए। मैंने फटाफट तैयारी कर ली थी ना इसके लिए थोड़ा सा, तो तेल मैंने अभी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें कांदा डालना है और इसमें सिर्फ मिर्ची राई और ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से जब ये फ्राई हो जाएगा और मिर्ची की खुशबू आएगी, मतलब एक अच्छी खुशबू आती है, तो आपको लग जाएगा कि मिर्ची अभी फ्राई हो जाएगी यानी उसका तीखापन तेल में उतर जाएगा, तो फिर आप कांदा डालना क्योंकि इसका तीखापन ही कांदे में फोए में काम करेगा। तो देखिए इस तरीके से हल्का गरम हो गया है तेल भी और मिर्ची भी अच्छी खासी गरम हो गई है। और इसको है ना मीडियम आँच पे रखना जब मिर्ची फ्राई करते हो, तो रीज़न है कि इसका धुस्कार नहीं होए घर के अंदर, पास रखोगे तो जल जाएगी और धुस्कार हो जाएगा। अच्छा आपको मैंने पाव किलो कांदे फोए बनाई थी तो इसमें मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के कांदे लिए हैं और इसको अच्छे से पिंक करना है। इसको बिलिस्ता नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ पिंक करना है आपको। आप जब पिंक कर लोगे इसको इस तरीके से फ्राई करते रहना है और इसको अच्छे से जब ये पिंक हो जाएगा तो इसमें हल्दी नमक और फोआ डालना है। फोए को अच्छे से आपको धो लेना है और चाड़न में रख देना है। रीज़न है कि इसका पानी उतर जाए। अगर आप हाथ से दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल देते हो तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है, मगर वो प्रोसीजर जो भी रहेगा जल्दी करना है। तो मैंने देखिए 1/4 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी, या फोए डाल के हल्दी डालिए या अभी हल्दी डालिए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 चम्मच भर के हल्दी डालिए क्योंकि इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं जाते हैं, इसमें सिर्फ जाएगा हल्दी ही जाएगा आपको और नमक ही जाएगा और फोआ कांदा मिर्च हरी मिर्च और ये जाएगा काली राई जाएगी। तो देखिए मैंने अभी इसमें हल्दी डाल दी हूँ और फोए भी डाल दी हूँ। फोए में देखिए ज़रा भी पानी नहीं, एकदम सूखे सूखे है और इसका गोला बिला नहीं करना, हाथ से पूरा खुला खुला करके डाल देना और इस तरीके से घुमा देना। तो देखिए इस तरीके से आप घुमा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें कोथमीर आप भरपूर डालिए अगर आपके घर वाले खाते हैं तो, और अगर ज़्यादा डालोगे तो बहुत अच्छी खुशबू और लज्जत आएगी। और इसमें सेंग मैंने ना फ्राई कर ली थी इस तरीके से और उसको कूट दिया था, तो कूट के फिर फूंक मार के छिलके वगैरह इसके साफ़ कर लिए है। तो लास्ट प्रोसीजर ये होता है कि ये कांदा पोहा हमारा बन गया है, उसको बारीक आँच पे रखिए या उतार दीजिए, जलने ना देना। और इसमें ये फ्राई कर लीजिए, इसको कूट दीजिए और उसके बाद में ये कांदे पोहे के ऊपर से डाल दीजिए। कोई लोग मूंगफली डालते, कोई काजू डालता है, कोई इसमें बटाटे भी बारीक एकदम बारीक पीस करके भी डालते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा आपको जो पसंद है वो चीज़ें डालिए, जैसा बटाटा डाल सकते हैं, सेंगदाने डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। खाने के लिए कोई चीज़ की मतलब वो नहीं है, बंदिश नहीं है, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैंने देखिए लहसुन फ्राई करने के लिए रख दिए थे, ये हल्के फुलके जब छिलके काले हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये सेंग ये हो चुका है, मतलब फ्राई हो चुका है। अच्छा मैं इसके अंदर की प्लेट निकाल देती हूँ, रीज़न ये कि कभी भी प्लेट रखो ना तो फटाक से ना ख़राब हो ही जाती, दूध उबल ही जाता है, तो ये बहुत मेरे साथ हो चुका है ट्रेजेडी। तो मैंने प्लेट निकाली तब से दूध उबलता नहीं है। तो देखिए फोए तैयार हो गए थे, अब मैंने सेंग डाल दिया उसके अंदर से। अब मैं बारीक आँच करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी क्योंकि फोए तो हमारे पक गए, तो ये खाने के लिए रेडी है। तो संडे स्पेशल आज का था, तो ज़रूर बनाइए, खाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। और ये आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, व्यूवर्स ज़रूर बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। और कांदे फोए का प्रोसीजर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। ये खाने के लिए रेडी है, आइए खाइए हमारे साथ, संडे स्पेशल है। थैंक यू, बाय बाय।